बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ यास्मीन। वेलकम करती हूँ आप सबको मेरे चैनल कुक विद लव एवरी डे में। आज मैं बनाने वाली हूँ हॉट मिल्क केक। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, साथ में छोटा सा बेल आइकन है उसे प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बाउल ले लिया, दो अदद मैंने इसमें अंडे शामिल करने हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें अंडे शामिल करूंगी। उसके बाद मैं इसमें चीनी शामिल करूंगी, आधा कप मैंने चीनी ली है। बीटर की मदद से आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। मैंने इसको 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। ये देखें इसका टेक्सचर। अब यहाँ पे मैंने वेजिटेबल ऑयल लिए, 1/4 कप है ये मेरे पास, ये इसमें शामिल करूँगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ऑयल डाल के मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। इसे मैं साइड में करूँगी। एक पैन मुझे लेना है छोटे वाला, आधा कप मैंने दूध लिया इसमें, वो मैं पैन में शामिल करूंगी। 1 टेबलस्पून मैं इसमें अनसॉल्टेड बटर इस्तेमाल कर रही हूँ, वो ऐड करूंगी। पैन को मैंने चूल्हे पे रख दिया। मुझे इसको इतनी देर पकाना है कि जो बटर है उसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और दूध जो है वो गर्म हो जाए। ये देखिए दूध हमारा गर्म हो चुका है, अब मैं इसको उतार लूंगी। अब आ जाते हैं अमेजी की तरफ। 1 टीस्पून में इसमें वनीला एसेंस शामिल कर रही हूँ। वन टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 कप मैं इसमें मैदा शामिल करूंगी। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है, इसमें कोई भी गुठली ना रहे। देखिए अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया। दूध और बटर जो मैंने गर्म किया था वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। ये दोनों शामिल करने के बाद अच्छी तरह से आप इसको फिर से मिक्स कर लें। ये देखिए मैंने अच्छी तरह से बैटर को मिक्स कर लिए। मैं इंशाल्लाह ट्राई करूंगी आपको और भी ऐसे केक बनाने बताऊं जो ऑयल से बनते हैं, क्योंकि हर कोई बटर से केक नहीं बना सकता, क्योंकि बटर एक तो महंगा भी बहुत होता है और हर वक्त अवेलेबल भी नहीं होता, तो ऑयल आपको आसानी से घर में अवेलेबल होता है। मैंने यहाँ पर लाइनर लिया, मैंने बेकिंग ट्रे लिया, उसमें हम लाइनर लगाएंगे और जो हमेशा मैंने मिक्स किए वो इसके ऊपर डाल देंगे। आपके पास अगर ये वाला लाइनर नहीं तो आप उसमें बटर पेपर भी लगा सकते हैं। इसमें डालने के बाद आप इसको हल्का सा टैप करें ताकि अमेजे में कोई भी बबल जो है वो ना रहे। 350 फ़ारेनहाइट पर मैंने ओवन को RD पर हीट कर लिए। अब मैं इसको बेकिंग के लिए रखूँगी। ठीक हो चुका है, मैंने इसको ओवन से निकाल लिए। 350 फ़ारेनहाइट पर मैंने इसको 25 मिनट बेक किए। अब मैं इसको रूम टेम्परेचर पे रखूँगी ठंडा होने के लिए। यहाँ पे ट्रे में निकाल लिए, आप किसी भी प्लेट में इसको निकाल सकते हैं। पाउडर शुगर लिए मैंने इसके ऊपर डालने के लिए। मैं इसको किसी भी आप छोटी छन्ने में डाल के इसको हल्के हल्के टैप करें, मुझे इसके ऊपर डालने हैं। क्योंकि अगर आप किसी को भी ऐसे प्लेन केक दे देंगे तो वो कोई भी नहीं खाएगा, तो अगर आप इसके साथ थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो एक तो इसकी लुक बहुत अच्छी लगती है, टेस्टी तो वो हो गई क्योंकि आपने बनाया है, लेकिन लुक्स भी अच्छी होनी चाहिए, बहुत मैटर करती है इसमें। पाउडर शुगर मैंने इसके ऊपर डाल दिया। यहाँ पे मैंने कुछ स्ट्रॉबेरीज ली हैं, अब ये मैं इसके ऊपर लगाऊंगी। सबसे पहले मैंने एक स्ट्रॉबेरी की जो टेल होती है उसको रिमूव किया ताकि ये ईजिली यहाँ पर आ जाए। यहाँ पे रखेंगे इसको, मैंने ओनली
टू स्लाइसेस में किए। और इसको मैंने टू स्लाइसेस में काटी, लेकिन मैंने इसके जो लीव्स हैं वो रिमूव नहीं किए। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर स्टाफिस लगा दिए। अब हम इसको कट करेंगे छोटा सा स्लाइस। देखिए बहुत ही सॉफ्ट, ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़े का लग रहा है। इसको हम रखेंगे, ये देखिए जैसे कि आपको नज़र आ रहा है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही मज़े का है। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट टाइम फिर किसी नई वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।